नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के ऊपर दोस्तों, जहां पे दोस्तों मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर दोस्तों। और टेक्निकली दोस्तों ऐसा लेवल है, अगर उसको तोड़ दिया जाए ये स्टॉक के द्वारा तो दोस्तों जबरदस्त तेजी आएगी। वो कौन सा लेवल है उसके ऊपर दोस्तों बात करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको चार्ट दिख रहा है जयप्रकाश वेंचर का, पावर वेंचर का। तो दोस्तों यहाँ पे आज 1.160% का दोस्तों स्टॉक में गिरावट आई हुई है। अगर 5 दिन की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको रेकमेंड किया था जब एंड के ऊपर आया था, लोअर सर्किट लग रहे थे, तब मैंने बोला था कि दोस्तों इसमें चांसेस है ऊपर जाने के। और दोस्तों स्टॉक अपर गया और काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर हमें इंट्राडे में पॉजिशनल मुनाफा मिला है। बट आज का जो वीडियो है दोस्तों जेपी पावर के ऊपर, जो कंपनी का एनएसई का कोड है, वहाँ पे दोस्तों आने वाले टाइम में क्या रणनीति करनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा मैजिक हो सकता है कि आपको मैजिक ये स्टॉक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, और चार्ट के ऊपर जो ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक मंथ की बात की जाए तो 1.9% का दोस्तों प्रॉफिट हुआ है, और 6 मंथ में दोस्तों स्टॉक ने 37.10% की अच्छी दोस्तों तेजी दिखाई है, और 1 साल के अंदर 84.78% का दोस्तों तेजी आए, और 5 साल के अंदर बात करें तो 2.41%, और मैक्स में दोस्तों जबरदस्त वेल डिस्ट्रॉइंग स्टॉक है दोस्तों। यानी कि ये स्टॉक ने तगड़े सबके इन्वेस्टर के पैसे डुबाए हैं, और ऐसी श्रेणी में इसका नाम आता है, इस ग्रुप का नाम आता है दोस्तों जिन्होंने अच्छे पैसे बना डुबाए लोगों के। बट अब क्या हम पैसे बना सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं और चलते हैं पहले फंडामेंटल्स के और दोस्तों। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, एनएससी का कोड जेपी पावर, और बीएससी का कोड है 532627 दोस्तों। जो नाम है उसका जयप्रकाश वेंचर लिमिटेड इज एनकेज इन अ जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग हाइड्रो एंड थर्मल, सीमेंट ग्राइंडिंग, कैपिटिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर दोस्तों। तो बहुत सारा काम कर रही है कंपनी, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही। पर दोस्तों पावर सेक्टर पूरा दबा हुआ था, बट अभी काफ़ी पावर स्टॉक में री रेटिंग हो रही है दोस्तों। मार्केट कैप 2947 जो पेनी स्टॉक के हिसाब से होता है वही है दोस्तों। करंट प्राइस की अगर बात की जाए तो 4.30 है, हाई बनाया 6.85 का और लो बनाया 219 का। स्टॉक का पी 19 है, बुक वैल्यू 9.49, यानी कि बुक वैल्यू से भी दोस्तों आधे प्राइस में मिल रहा है दोस्तों स्टॉक। या तो ये चिप वैल्यूएशन होता है तो दोस्तों एक मौका होता है, या तो दूसरी चीज़ होती है धोखा दोस्तों, क्योंकि अपने बुक वैल्यू से जो भी स्टॉक ट्रेड करता है उसमें कुछ ना कुछ पंगे होते हैं, तब भी होता है दोस्तों। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक ठाक है दोस्तों, डेप टू इक्विटी 0.80 यानी कि मैनेजेबल है, रिटर्न ऑन इक्विटी 2.83 है जो बहुत ही ना के बराबर है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें प्रीसीडिंग ईयर का तो 27% है जो काफ़ी इंस्पिरेशनल है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर का 32.7% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों मार्जिन 49.3% 10 साल का दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा है। कंसर्न है प्लेज परसेंटेज 87.3% का दोस्तों प्लेज है यहाँ पे, प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रखे हैं। और दूसरी चीज दोस्तों कि कैश इक्विवेलेंट भी 306 करोड़ है, और ईपीएस 0.36 है, बट वो भी दोस्तों बहुत मुश्किल से प्रॉफिट में आई है कंपनी, और उसी की वजह से हमें दिख रहा है। यहाँ पे पीयर कंपेरिजन की दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पे पी आपको 18.96 मिल रहा है, जो अदानी पावर से भी ज़्यादा है दोस्तों। टाटा पावर 31.30 का है, एनटीपीसी दोस्तों बहुत ही सस्ता स्टॉक है और बहुत ही बड़ा मार्केट कैप वाला स्टॉक। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन दोस्तों यानी कि बड़े बड़े दिग्गज जो स्टॉक है कुछ, वो आपको सस्ते दामों में मिल रहे हैं यहाँ पे जेपी पावर का। यानी कि दोस्तों जेपी पावर से तो एनटीपीसी और बाकी लोग सस्ता मिल रहे हैं, बट जेपी पावर को क्यों चूज़ करना चाहिए और क्या है उसके ऊपर दोस्तों नज़र करते। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए तो दोस्तों ये ईयर टू ईयर काफ़ी प्रगति हुई है दोस्तों, बट पिछले अगर 3 सालों की अगर पिछले 2015 में अगर देखेंगे तो 4140 था, 4113 था दोस्तों करोड़ में मार्च 2016 में, और 17 में भी वही अच्छा था, और 18 में भी अच्छा था, बट उसके बाद दोस्तों सेल्स में कटौती आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2019-20-21 में कटौती आई है सेल्स में, एक्सपेंस तो दोस्तों जो थे वो वही के वही रहे हैं, कुछ उसमें ज़्यादा कटौती नहीं आई है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी दोस्तों काफ़ी कटौती आई है, और उसी की वजह से स्टॉक पैनी बन चुका था। और यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लियरली दोस्तों नेट प्रॉफिट भी कि
नेट प्रॉफिट में दोस्तों 267 और 248 यहाँ पे हमें दिख रहा है, और ईपीएस जो है वो भी बहुत छोटा सा दोस्तों बढ़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 392 और 396 जो हमें मिला हुआ है उसकी वजह से ही है, बाकी दोस्तों कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं है। कंपनी ने बहुत बढ़िया बढ़िया लॉस ऑलरेडी बुक कर दिए है दोस्तों अपने। अब क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर दोस्तों इसलिए करना है कि पिछले 3 क्वार्टर का अगर सेल्स देखा जाए तो ऑलमोस्ट आसपास है, कुछ ज़्यादा नहीं है, और सितंबर और जुलाई में थोड़े से कम आए थे ड्यू टू कोरोना, बट उससे पहले के क्वार्टर में भी कुछ अच्छे इंस्पिरिंग दोस्तों सेल्स नहीं है, और वहीं पे दिक्कत है जो सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रही है उसकी वजह से दोस्तों स्टॉक स्टक होके पड़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट अगर बात करें तो 4.34 है दोस्तों क्वार्टर का, और ईपीएस 0.01 का है। तो दोस्तों थोड़ा सा कंपनी कोशिश कर रही है जो अपना सारा कुछ मैनेज करने की, प्लेज अगर शेयर दोस्तों अगर एक चीज़ है जो प्लेज शेयर है दोस्तों, अगर उसमें से थोड़ा भी स्टॉक शेयर जो है वो निकाल देते हैं प्रमोटर, तो दोस्तों स्टॉक में एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, एक बहुत बढ़िया ट्रिगर हो सकता है दोस्तों। और प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों उन्होंने कम की है, दिसंबर 2019 में जो दोस्तों था वो 29.85 था, और दिसंबर में 29.74 था, उसके बाद 26.07 किया है मार्च में, और उसके बाद दोस्तों मार्च 2021 और जून 2021 का डेटा बता रहा है कि 26.02 किया है, यानी कि दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई है पिछले थोड़े सालों में। एफआईआई दोस्तों बिल्कुल घटा के बैठे है अपना होल्डिंग, और डीआईआई की अगर बात की जाए तो 32.34% दोस्तों डीआईआई का होल्डिंग भी है दोस्तों उसके अंदर। और डीआईआई में दोस्तों बड़े बड़े नाम है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, और सारे दोस्तों जो उनको लोन दे के बैठे होंगे वो सारे लोगों ने अपने जो डेप डेप का इक्विटी में कन्वर्ट किया हो, ऐसा हो सकता है दोस्तों, या फिर उन्होंने परचेज भी किए हो स्टॉक, वो डेटा नहीं है अभी मेरे पास, इसलिए मैं आपको एक एजम्पशन दे रहा हूँ दोस्तों। और बट यहाँ पे भी दोस्तों एक है कि आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात की जाए तो वो दोस्तों अपना होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से कम करी है जैसे प्राइस अप हुआ है दोस्तों। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने तो अपना होल्डिंग बहुत कम कर लिया है, इवन पंजाब नेशनल बैंक वो भी होल्डिंग कम कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे ये स्टॉक को बेच दिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन तो है बिल्कुल, और आईडीबीआई बैंक तो बिल्कुल जिसको निकल गए बेच के पूरा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वो भी निकल चुके हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा 2 क्वार्टर पहले निकल चुके हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली उन्होंने थोड़ा सा दोस्तों बिकाया, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बाकी सिंडिकेट बैंक है, बाकी सारे जो बड़े बड़े बैंक है सब लोग निकल चुके हैं, यानी कि इसीलिए दोस्तों डीआईआई का जो है वो हमें कम दिखा रहा है। अब चलते हैं दोस्तों पब्लिक होल्डिंग के ऊपर और वो क्या बता रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा नजर डालते हैं दोस्तों। तो पब्लिक होल्डिंग में दोस्तों 18.73% था, वो बढ़ के अभी 41.1% हो चुका है दोस्तों। तो जो प्रमोटर के होल्डिंग कम हुए और डीआईआई के होल्डिंग कम हुए वो सारे पब्लिक शेयर होल्डर के पास आए। अब किसके पास आए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो बड़े खिलाड़ी ने लिए है या फिर सब रिटेलर्स के पास आ गए। तो नरेश चंद्र तलवार ए वो है दोस्तों जो 50.2 का है, उन्होंने भी पिछले कुछ क्वार्टर्स में अपनी होल्डिंग कम कर दी है दोस्तों। जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था, निकल चुके हैं ऑलरेडी। जेपी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड वो भी निकल चुके हैं दोस्तों, और क्लियर कैपिटल पार्टनर्स उन्होंने अपना शेयर होल्डिंग थोड़ा सा दोस्तों बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया है। और महाभद्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने 1.74% का दोस्तों अपना जो स्टेक है वो रखा है और कंटिन्यूटी है, बट इन्होंने तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर में कम भी किया है क्लियर वाटर वालों ने। तो एक दोस्तों यहाँ पे हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न से बिल्कुल सा ख्याल आता है कि बड़े प्लेयर दिग्गज प्लेयर निकल रहे हैं, प्रमोटर की हालत बहुत ही टाइट है, लिक्विडिटी का पंगा रहेगा, तो दोस्तों जब तक सेल्स ग्रोथ नहीं आता है तब तक पंगे है। और दूसरा बड़ा चीज़ वो है कि दोस्तों स्टॉक में जब तब तक तेजी नहीं आ सकती जब तक वो जो प्लेज परसेंटेज के स्टॉक है उसमें कुछ सुधार ना आ जाए, वो कुछ गिवरी स्टॉक है उसको निकाल ना दे दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों प्राइस के ऊपर। तो जय प्रकाश पावर वेंचर जेपी पावर 4.25 रुपीज़ का आज का क्लोज दोस्तों। और यहाँ पे देखिए डिलीवरी क्वांटिटी 55.40% हुई है, और 2,17,15,000 का क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, डिलीवरी क्वांटिटी है 1,20,30,000 का, यानी कि तकरीबन 55.40% का डिलीवरी क्वांटिटी हुआ है।
और ऐसा दोस्तों पहले भी हो चुका है, यानी कि डिलीवरी ये कंटिन्यूटी रहती है स्टॉक में। अगर हम थोड़ा सा डेटा डाउन करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिलीवरी दिखती है, कभी काफ़ी कभार वो डिलीवरी ज़्यादा के साथ चल रही है, और क्योंकि काफ़ी कभार दोस्तों स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट में भी डील करता है, उसकी वजह से डिलीवरी के ट्रेड टू ट्रेड में ही चलता है ये स्टॉक ज़्यादा से। तो कोई टेंशन नहीं है, कंपनी का अच्छा हालत है। अब दोस्तों चार्ट के ऊपर जो ब्रेकआउट लेवल इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो ये जयप्रकाश पावर का दोस्तों जेपी पावर का वीकली चार्ट है। यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों मैंने स्विंग लो से लेके स्विंग हाई का दोस्तों आपको दिया है, और स्विंग लो जो है वो 0.32 है, सॉरी 35 है, 27 मार्च 2020 को बना था ये लेवल, और जो हाई बना है दोस्तों वो 16 जुलाई 2021 में बना था, उसको दोस्तों कनेक्ट किया है, और ये सारे लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जरिए मैंने निकाले है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों स्टॉक 38.2% का रिट्रेसमेंट, 4.35 के आसपास है का रिट्रेसमेंट है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले काफ़ी टाइम से 3 वीक से दोस्तों उसी लेवल के साथ, उस रिट्रेसमेंट लेवल के साथ नेगोशिएट कर रहा है दोस्तों। जब पिछली बार इस लेवल को तोड़ा था दोस्तों विथ वॉल्यूम, तो दोस्तों स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई थी, तो पॉसिबिलिटी है। और उससे पहले दोस्तों वैसा ही हो रहा था, 4 से 5 वीक कंटिन्यूअस रेंज बना रहा था स्टॉक, सेम हाई के आसपास दोस्तों चल रहा था और फिर तोड़ा था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सेम दोस्तों हाई बना रहा है स्टॉक, 4.4 रुपीज के आसपास से लेके यहाँ पे एक रेंज बना रहा है 4.30 का। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा स्टॉक में तो काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे आपको बन सकता है। अब डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए इस स्टॉक में। यहाँ पे दोस्तों आपको लाइन मिल चुकी है 4.35 की दोस्तों, और देखेंगे हाउ मेनी टाइम्स दोस्तों अगर आपने उसी लेवल पे बेच दिया होता है स्टॉक तो कितनी बार आपको बेनिफिट मिल सकता था नीचे के लेवल के ऊपर दोस्तों। और बहुत बार इसी लेवल के ऊपर स्टॉक गया है दोस्तों, यानी कि ट्रेडिंग के लिए 4.35 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक एक बार पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आता है तब तक उसको बेच बेच के आप पैसा बना सकते हैं, या फिर आप दोस्तों नीचे आए तो थोड़ा बाय कर लीजिए। बट अगर नीचे आ जाता है तो फिर दोस्तों 360 के लेवल तक भी आ सकता है अगर गिरावट न्यूज में जाती है तो, क्योंकि ये जो स्टॉक है दोस्तों वो श्रेणी का स्टॉक है जहाँ पे न्यूज बेस्ड बाइंग भी होती है, न्यूज बेस्ड सेलिंग भी होती है, और दोस्तों अपर सर्किट भी लगती है और पैनिक भी रहता है दोस्तों। बट ये लेवल जो है 38.2 का रिट्रेसमेंट जो मैंने आपको समझा दिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेवल है दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेटेजी क्लियर है कि यहाँ पे जब तक 38.2% का रिट्रेसमेंट को वीकली चार्ट के ऊपर पार नहीं करता है तब तक दोस्तों स्टॉक में तेजी नहीं करनी है दोस्तों, उसके बाद हमें तेजी के लिए अपना मूड बनाना है दोस्तों। और ये सारे दोस्तों मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह दे तभी आप इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।